इधर सदन शुरू होने से पहले बाहर बीजेपी के विधायकों ने जेएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन किया, जिस पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी पलटवार किया। कि जो लाखों नौजवान आज सड़क पर हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, जो वर्षों वर्षों कठिन तपस्या करके परीक्षा दिए और उनके परीक्षा परिणाम आने के बजाय नोटिस आ गई कि ये परिणाम ही कैंसिल हो गया, इसलिए कि हाट बाजार में 25 लाख 30 लाख में सवाल बेच दिए गए। तो हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जांच की मांग पर अडिग है और सरकार से आग्रह करता हूं कि जरा भी शर्म है और सरकार के अंदर अगर नौजवानों के प्रति कोई दर्द है तो अविलंब ये एसआईटी छोड़ करके सीबीआई जांच कराए ताकि नौजवानों को न्याय मिल सके। जेएसएससी की परीक्षा में धांधली हुई है, कितनी सरकार ने नियुक्तियां निकाली है, नियुक्ति का आधार किया है, तो लगातार सरकार के जो उत्तर आ रहे हैं ये उत्तर भ्रमित करने वाले हैं और इसीलिए कार्यस्थगन के माध्यम से नौजवानों के रोजगार के सवाल पर, नियुक्तियों के सवाल पर, जेएसएससी की परीक्षा के सीबीआई जांच कराने की अनुशंसा के सवाल पर विधानसभा के अंदर हमने कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया है। देखिए, एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है और आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए ये मुद्दा है कि युवाओं के रोजगार का क्या होगा। जेएसएससी का जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ है, बेचने का आरोप लोगों पर लग रहा है, तो उसका समाधान कैसे होगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और इसको लेकर के आज ही नहीं, आज और आज से आने वाले दिनों में भी हम लोग मुखर रहेंगे। नहीं देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि जेपीएससी के एग्जाम की सीबीआई जांच हो, उसको लेकर हम लोग अड़े हुए भी है और निश्चित तौर पर जब एजेंसी जांच करेगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। क्या कारण है कि सारे एग्जाम्स को एक ही एजेंसी के द्वारा कंडक्ट कराया गया जो कि ब्लैकलिस्टेड है बिहार में, और उसके बाद आप जेएसएससी की नहीं जेपीएससी की एग्जाम भी देखे तो वैसे ही एजेंसी के साथ कराया गया जो ब्लैकलिस्टेड है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सोची समझी सादी सरकार है कि है भविष्य, युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने के लिए, जो हम लोग होने नहीं देंगे। लखनऊ में पुलिस बहाली पर्चा लीक के मामले में इन लोगों ने एफबीआई को बुलवा लिया है, वहां सीबीआई के नाम पर चुप्पी सांप सूंघ जाता है। झारखंड में एसआईटी की जांच में दोषी पकड़े गए, जेल चले गए हैं, थोड़ा और समय इंतजार कीजिए, उन चेहरों पर से भी पर्दे उठेंगे, नकाब उठेगा जो लोग इसके पीछे थे। और रह गया सवाल इनके मांग का, तो इनकी मांग राजनीति से प्रेरित मांग है। अगर इतने ही ईमानदारी के साथ कहते हैं तो यहीं पर घोषणा करें कि हम यूपी में सीबीआई की जांच करा रहे हैं, तब जाके झारखंड में इस बात की मांग करें। थोड़ा विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, सब चीज हो रही है और छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ किसी भी प्रकार का धोखा धड़ी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कड़ी से कड़ी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।